हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल द हैप्पी फेस्टिव सीजन। एंड आई नो मेरा थ्रोट थोड़ा सा आजकल ठीक नहीं है एंड मेरी वॉइस थोड़ी सी इरिटेट माइंड भी आपको कर सकती है, तो प्लीज टॉलरेट कर लेना। एंड यस, बाय द टाइटल एंड बाय द थंबनेल आपको वीडियो के बारे में पता चल गया होगा। एंड लेट मी नो, अभी कमेंट करो और बताओ कि कितने लोग हो एक्साइटेड जानने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। यार कमेंट करके बता तो दिया करो, इतने एफर्ट लगता है फिर भी आप लोग नहीं करते हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे क्यों करते हो यार, थोड़ा तो मोटिवेट कर दिया करो। वेल, वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द रीसेंट परचेज दैट आई मेड ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, ड्यूरिंग द सेल सीजन और ड्यूरिंग माई बर्थडे, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि अक्टूबर मंथ में फेस्टिव सीजन भी पड़ रहा है, इतने ढेर सारे सेल्स भी चलते हैं एंड मेरा बर्थडे मंथ भी होता है, तो मैंने ढेर सारी चीज़ें परचेज की हैं इस सेल से एंड इस मंथ में, क्योंकि आगे बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाली है आगे की वीडियोस में। सो चलो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो आई एम बिट कंफ्यूज कि शुरू कहाँ से किया जाए, तो जो भी चीज़ें मेरे हाथ में नंबर वाइज आती जाएंगे आई बी शोइंग इट टू यू। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस रबर बैंड दैट आई गॉट फ्रॉम मीशो आई थिंक, एंड ये कुछ इस तरह के हैं एंड ये मुझे काफ़ी लंबे टाइम से खरीदना था एंड फाइनली आई गॉट इट। ये पैक ऑफ फाइव हैं एंड ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, लाइक द कलर इज वेरी नाइस एंड आप इसे हाथों में भी पहन सकते हो, बहुत प्यारा लगने वाला है। लुक एट दिस, वाओ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड प्रोडक्ट। और सेकेंड प्रोडक्ट क्या है हमारा, सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस सिलिकॉन टेप एंड ये काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है, लाइक मुझे काफ़ी लंबे टाइम से ट्राई करना था बिकॉज ये ना मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है इन सारे प्रोडक्ट्स को देख करके कि क्या ये वर्क करते हैं या नहीं, तो बस उसी चक्कर में मैंने परचेज कर लिया है एंड इसका रिव्यू मैंने शॉर्ट्स में आई थिंक अपलोड कर दिया है एंड इट विल बी लाइव सून या फिर लाइव हो गया होगा, तो जल्दी से जाके देख लेना और देख लेना कि क्या ये रियली वर्क करता है या नहीं करता है। रियली बड़े मज़ेदार प्रोडक्ट है, सो जाके देख लेना वर्क करता है या नहीं करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। So the third one is this. Okay, so the third thing is this organizer and this is a cosmetic organizer. ये भी मुझे काफी लंबे टाइम से चाहिए था। आपको पता होगा अगर आप मेरे पुराने व्यूअर या फिर सब्सक्राइबर होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक आजकल ऑर्गेनाइजर खरीद रही हूँ एंड रिसेंटली भी मैंने बहुत ढेर सारे ऑर्गेनाइजर खरीदे हैं, तो अगर आपने ऑर्गेनाइजर हॉल नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगी। वेल, सो ये कुछ इस तरह का है, इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट साइज में बने हैं। ये वाला कंपार्टमेंट सबसे बड़ा है, फिर उससे मीडियम साइज का ये है एंड सबसे छोटा ये है। इसको यूज करने के बाद आई एम श्योर कि आपके लिपस्टिक, आपके कंसीलर, आपके जितने भी स्टिक वाले आइटम्स है ना, बहुत आसानी से आपको मिलने वाले हैं एंड काफी अफोर्डेबल भी है एंड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। सो आई लव दिस वन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आई थिंक फोर्थ वन। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन। सो द फोर्थ वन इज दिस ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के सोप एंड ये मैंने दो वेरिएंट में परचेज किया है, एक है हमारा मिंट एंड सेकेंड वन इज चारकोल। एंड ट्रस्ट मी, ये सोप ना मैं पिछले दो तीन महीने से यूज कर रही हूँ एंड मेरी पूरी फैमिली को ये सोप बहुत ज्यादा पसंद आया है, तो इसी वजह से मैंने परचेज किया है। एंड इसके काफी वेरिएंट आते हैं, मैंने दो तीन वेरिएंट ट्राई किया है और चारकोल वाला भी एक बार मैं पहले ट्राई कर चुकी है एंड द मिंट वन इज फॉर माई फर्स्ट टाइम, लाइक पहली बार मैंने परचेज किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन। ओके, सो द फिफ्थ वन इज दिस ऑर्गेनिक लिप बाम फ्रॉम ऑर्गेनिक हार्वेस्ट, 3-in-1 लिप बाम एंड इसमें तीन अलग अलग शेड हैं। सो लेट्स सी ये कैसे कैसा है, पिंक, रेड एंड कॉफी विच इज न्यूड। सो लेट्स सी किस तरह से आता है, तो ये कुछ इस तरह का है, इसमें तीन अलग अलग से शेड हैं। पहला वाला जो है वो बेसिकली न्यूड शेड है एंड इसमें बहुत कम टिंट आता है, इसमें बिल्कुल भी टिंट नहीं आता है, न्यूट्रल सा शेड देता है। एंड अगर आपको पिंक शेड में टिंट चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस वन। एंड द लास्ट वन, अच्छा पहले क्या, अभी भी वी गेट ऐसे वाली पेंसिल जिसका नेडल हम आगे पीछे करते हैं इन मेला एंड ये काफी मजा आता था मुझे बचपन में आगे पीछे करने में ये वाली पेंसिल का। वेल, इसका जो टिंट है ये काफी अच्छा है थर्ड वाले का। एंड बाकी ये ऐसा लिप बाम है ना जो आप अलग अलग ओकेशन में अपने लुक के हिसाब से चेंज कर सकते हो, लाइक अगर आपको टिंट चाहिए रेड में तो यू कैन गो फॉर दिस वन।
एंड अगर पिंकिश शेड चाहिए तो यू कैन गो फॉर द मिडिल वन, एंड अगर न्यूट्रल्स एंड न्यूडिश न्यूड शेड चाहिए तो यू कैन गो फॉर द फर्स्ट वन। तो ये भी मुझे काफी अच्छा लग रहा था, आई वॉन्टेड टू बाय, सो मैंने ये परचेज कर लिया। वैसे इसकी मुझे इतनी जरूरत नहीं थी, बट जब मैं सोप परचेज कर रही थी ना तो ये आ गया एंड सेल चल रही थी, सो आई थॉट ले लेते हैं यार। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज दिस हेयर कलर दैट आई गॉट एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड नोवा। एंड इस हेयर कलर को मैंने ट्राई करके आई थिंक वीडियो अपलोड कर दी है, सो आप शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हो। जितने भी बियर्ड प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है ना उसके शॉर्ट्स मैं अपलोड कर रही हूँ या आगे होने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको देखना है कि ये प्रोडक्ट वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। सो ये प्रोडक्ट ना मुझे काफी लंबे टाइम से ट्राई करना था बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस, लाइक 200 समथिंग का इसका प्राइस है एंड अलग अलग साइट्स पे तो ये 100 समथिंग की रेंज में भी मिल रहा था, बट मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया एंड इसके साथ हमें ये कॉम्ब मिल जाता है। कॉम्ब मैंने नहीं ट्राई किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ मैंने इस कलर को ट्राई किया है। सो अगर आप जानना चाहते हो कि क्या ये कलर वर्क करता है कि नहीं करता है, सो शॉर्ट्स जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे बहुत ही मजेदार वीडियोस आने वाले हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज दिस हीट बैग एंड ये मुझे काफी लंबे टाइम से लेना था, लाइक ये बहुत हेल्प करती है। दिस इज वन थिंग दैट यू मस्ट हैव इन योर होम, लाइक बैक पेन और हमारे क्रैम्प्स के टाइम में बहुत ज्यादा रिलीफ देती है। तो ये मुझे काफी लंबे टाइम से लेना था एंड फाइनली आई गॉट इट एंड आई थिंक आप सबके घर में ये होना चाहिए। कभी कभी आपको बैक पेन होता है और सिकाई करनी होती है ना, तो दिस इज समथिंग दैट रियली वर्क सो नाइस यार, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। लाइक मैंने अभी इसे रिसेंटली मैं ट्राई किया था एंड आई रियली लव इट, लाइक काफी आराम मिलता है एंड करेंटली ऑल्सो आई एम हैविंग द बैक पेन, तो आई एम डेफिनेटली going to do the sikai after this filming. Okay, now let's move on to the next one. So the next product hone wala hai na, that is from app Smithin and this is not at all a sponsored video. So ye jo bhi main bol rahi hu, jo bhi main dikha rahi hu, wo sab maine apne khud ke paise se purchase kiya hai. So because ye Smithin app mujhe bahut zyada pasand hai, isliye I want ki aap log tak ये बात जाए मेरी और आप भी इस डील का फायदा उठा पाए। सो स्मिथिन ना एक ऐसा ऐप है जहां पे आपको ट्रायल पॉइंट्स मिलते हैं जब भी आप साइन अप करते हो, तो आप साइन अप करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो चाहते हो तो, एंड जैसे ही आप साइन अप करोगे आपको 6 ट्रायल पॉइंट्स मिलेंगे एंड ईच ट्रायल पॉइंट्स के आप शॉपिंग कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं रिलेटेड टू स्किन केयर, मेकअप, फूड एंड बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट, आप कोई सा भी प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो जस्ट इन रुपीज 199, लाइक आपको केवल 199 रुपए पे करना है एंड यू आर गोइंग टू गेट द प्रोडक्ट। तो रिसेंटली मैंने मंगाया जूस की एक लिपस्टिक जो कि 3 ट्रायल पॉइंट की थी एंड एक लिपस्टिक फ्रॉम द ब्रांड, आई डोंट रिमेम्बर द ब्रांड राइट नाउ, सो आई विल मेंशनिंग इट ऑन द स्क्रीन। सो एक लिपस्टिक और मैंने मंगाई थी जो 2 पॉइंट की थी एंड एक मैंने टॉप कोट मंगाया है जो कि 1 ट्रायल पॉइंट, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो डायरेक्टली आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन एंड इंटरनेट मेड मी बाय दिस प्रोडक्ट। ये भी प्रोडक्ट मैंने इंटरनेट पे देख के ही बाय किया है। सो एक्चुअली ना ये काफी कोने कोने की सफाई कर देता है ये ब्रश, ऐसा क्लेम करता है, तो उसी चक्कर में मैंने ये चीज परचेज किया है कि क्या ये सफाई करता है कोनों की कि नहीं, तो ये जानने के लिए मेरा शॉर्ट देख लीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज दिस कैन कैन दैट आई गॉट एंड लुक एट दिस, ये कैन कैन है जो मैंने परचेज किया है एंड वेडिंग सीजन आ रहा है, सो आई वाज प्लानिंग टू परचेज दिस कैन कैन फ्रॉम लास्ट ईयर एंड फाइनली मैंने परचेज कर लिया, आई हैव दिस कैन कैन नाउ। सो कैन कैन के बारे में और रिव्यू आपको फ्यूचर की वीडियोस में मिल जाएगा कि कैसे वर्क करता है, नहीं करता है, क्या होता है, ये आपको आगे की वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वी हैव सम प्रोडक्ट फ्रॉम माई ग्लैम, सो चलो जल्दी जल्दी से दिखा देते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सो फर्स्ट वी हैव दिस शीट मास्क एंड सेकेंड वन इज दिस नो ड्रामा मिनी लिप किट, ये 3 शेड में है डिफरेंट डिफरेंट, एंड द नेक्स्ट वन इज दिस ड्रीम मिनी नेल किट दैट हैज 5 डिफरेंट कलर्स एंड बहुत ही ज्यादा प्यारे कलर है, आई लव द कलर। नेक्स्ट हाफ वी हैव द काजल एंड दिस इज सुपर माई ग्लैम सुपर फूड रेविन काजल रेविन, एंड इसका जो पिगमेंटेशन है ना दिस इज ऑसम मैन, आई लव द पिगमेंटेशन एंड काफी लॉन्ग लास्टिंग है। एंड लास्ट वी हैव द लिपस्टिक
सेल चल रही हो, लिपस्टिक ना परचेज करें, दैट्स नॉट पॉसिबल, वो भी माई ग्लैम से, इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये लिपस्टिक मैंने परचेज की है, एंड अगर आप अभी तक माई ग्लैम के बारे में नहीं जानते हो और अगर अभी तक आपने अपनी फ्री लिपस्टिक को क्लेम नहीं किया है तो जाओ यार सर्वे में पार्ट लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अपने लिए फ्री लिपस्टिक लो माई ग्लैम की, काफी अच्छी है ये लिपस्टिक, काफी लॉन्ग लास्टिंग है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी और नेक्स्ट प्रोडक्ट। The next one is this shoes that I got and look at the color, man. I just love the color. मतलब मुझे बहुत प्यार सा हो गया इस कलर से, एंड इसका एक और शूज मैंने ऑर्डर किया अपनी सिस्टर के लिए, सो आई लव इट। एंड ये ना मैंने पहले 6 नंबर मंगाया था तो वो काफी बड़ा था, एंड अभी मैंने 5 नंबर मंगाया है तो काफी ठीक ठाक आ रहा है, सो आई लव द कलर, एंड काफी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये मिल गया है, एंड आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली मेरी लाइफ में, तो ये थोड़ी बहुत शॉपिंग उसके लिए भी है, तो आगे जानने के लिए कि क्या होने वाला है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, प्रोडक्ट है वो भी फुटवेयर सेक्शन से ही है, सो वी हैव दिस फ्लिप फ्लॉप, एंड कुछ अच्छे अच्छे फ्लिप फ्लॉप चाहिए थे मुझे, तो फाइनली आई गॉट दीज टू, एंड ये भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया है, एंड काफी अच्छा है, लाइक काफी सॉफ्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस आई लव इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट परचेज है वो रैंडम परचेज थी, टोटली रैंडम, आई जस्ट सॉ इट ऑन द इंटरनेट, एंड मैं एक्चुअली कुछ और प्रोडक्ट परचेज करने वाली थी इसी कैटेगरी की जो कि काफी वायरल थी, बट ये जब मैंने देखा ना तो अपने आप को रोक नहीं पाई, एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन बिकॉज ये काफी मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, एंड मुझे लगा कि इसका रिजल्ट काफी अच्छा होगा। सो रिजल्ट क्या होगा ये तो आपको फ्यूचर में पता चलेगा इन द शॉर्ट सेक्शन, एंड ये आज ही मुझे रिसीव हुआ है, तो ये कुछ इस तरह का है, एंड दिस इज अ ब्लो हेयर स्ट्रेटनर, एंड इससे आपको लाइक ये स्ट्रेटनिंग करता है इस कॉम्ब की हेल्प से, एंड इससे ब्लो ड्राइंग भी होता है, तो दो काम होता है इससे। सो इसका प्राइस आई थिंक 400 समथिंग का था, तो काफी अफोर्डेबल भी लगा, एंड ये वर्क करता है कि नहीं यार ये जानने के लिए शॉर्ट्स देख लेना, बस इस प्रोडक्ट से मुझे काफी एक्सपेक्टेशन है, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक मैंने अभी ट्राई नहीं किया है बट उम्मीद मेरी बहुत ज्यादा है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट जो है दिस इज अ की होल्डर, तो ये की होल्डर है क्यूट सा, एंड दैट आई गॉट फ्रॉम मीशो आई थिंक, एंड ये काफी क्यूट लग रहा था, मुझे होम वगैरह लिखा हुआ नहीं चाहिए था, वैसे वो भी मिल रहे थे, बट मुझे कुछ इस तरह का कार्टूनी शेड में ये वाला ज्यादा अच्छा लगा, तो मैंने ये परचेज कर लिया, बिकॉज आई थिंक चाबियां यार अपनी जगह पे रहे बहुत जरूरी हैं, और आजकल मेरे घर में चाबियां इधर उधर बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो फाइनली आई गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज फ्रॉम द होम डेकोर सेक्शन, एंड ये वाला प्रोडक्ट जो है ना दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड फ्रॉम सो लॉन्ग, लाइक दिखाते हैं कौन सा प्रोडक्ट है। सो दिस इज अ टेबल, एंड ये टेबल इतना ज्यादा प्यारा है ना, लाइक आई कैन टेल यू, सो लेट मी शो यू। सो इसमें 3 डंडियां मिल जाती हैं इस तरह की, एंड साथ में ये टेबल का टॉप मिल जाता है, ये एक्चुअली मेरी नीज आई थी उसने गंदा किया, बट मैं ये क्लीन हो जाएगा इजिली आराम से, तो अवॉइड कर लेना फॉर नाउ, मुझे बहुत प्रॉपरली पैक्ड मिला था ये प्रोडक्ट, एंड पीछे इसमें 3 ऐसे स्क्रू करने के लिए आपको डंडी मिल गई है, तो बहुत इजी है इसे असेंबल करना, लाइक यू जस्ट हैव टू रोटेट एंड रोटेट एंड रोटेट एंड रोटेट, एंड ये बहुत इजी असेंबल हो जाएगा। लुक एट दिस, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्लांट वगैरह रखने के लिए, साइड टेबल के लिए ले सकते हो, एंड दिस इज रियली सो नाइस, मुझे इसे काफी लंबे टाइम से चाहिए था, और मैं ये प्रोडक्ट जब रिसीव हुआ ना आई वॉज सो हैप्पी टू गेट इट, एंड आई रियली लव दिस वन। सो लुक एट दिस, सो दिस इज सो नाइस, लाइक क्यूट सा है, हाँ इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है बट बहुत ही ज्यादा प्यारा होम डेकोर आइटम है, एंड आई लव दिस वन, लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे बहुत टाइम से ये प्रोडक्ट लेना था, एंड फाइनली आई गॉट दिस वन।
So the next product is this Reneki fake nails and I really wanted to try this fake nails and एक fake nails था जो कि इससे भी सस्ता था but मुझे Reneki का fake nail try करना था कि ये क्या है कैसे है so इसका review shorts में जल्दी ही आने वाला है तो देख लेना and ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे color में है मुझे कुछ neutral सा ही color चाहिए था बहुत चटक color नहीं चाहिए था so I love this and अभी इसे try करेंगे and future की videos में आपको बताएंगे shorts में कि ये कैसा लग रहा है क्या ये वर्थ है या नहीं है सब कुछ आपको फ्यूचर शॉर्ट्स में पता चलेगा तो शॉर्ट्स देखते रहना तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे 21 अक्टूबर तक रिसीव हो गए हैं मैंने अभी कुछ प्रोडक्ट और भी ऑर्डर किए हैं बट वो अभी मुझे रिसीव नहीं हुए हैं स्पेशली क्लोथिंग में मैंने काफी प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं बट अभी वो मुझे रिसीव नहीं हुए हैं तो आगे के हॉल वीडियोस में आपको क्लोथिंग से रिलेटेड आइटम्स देखने को मिल जाएंगे एंड मैंने माइक लैम से भी दो तीन चीजें मंगाई हैं इसमें दिन से भी आई एम अगेन गोइंग टू शॉप बिकॉज यार मैं नहीं रुक पा रही थी ये फ्री गिफ्ट्स देख तो दीज वर द प्रोडक्ट्स दैट आई परचेज फ्रॉम दिस सेल दिस टाइम एंड होप आपको ये वीडियो देखने में बहुत मजा आई हो और अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप परचेज कर सकते हो एंड प्लीज गाइज वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना इट रियली टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी बाय बाय हैप्पी फेस्टिव सीजन